अबू बकर को पाला नहीं कर सकता। मैं उमर ने उस्मान ने अली ने तलहा ने ज़ुबैर ने हमज़ा कोई साहबी ना, क्योंकि सब झुठला रहे थे। सादिक बिन सादिक अबू बकर कह रहे थे। अबू जहल ने गाइड करने की कोशिश भी की, देखो ना तुम्हारे दोस्त क्या बोल रहे हैं, एक शिखर में ऊपर गया और नीचे भी आ गया बगैर दलील और मुतालबा। आई विटनेस के हजरत अबू बकर ने कहा था अगर नबी कह रहे हैं तो सच है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दीन की समझ। और फिर ये हदीस देखे, मैं यूरी दिल्लाहु भी खैरन युफक्कहु फिर दीन, अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है दीन की समझ दे देता है। जैसे जंगे सिफीन में हजरत अली रजी अल्लाह हु अन्हु 1300 साल के बाद में मुफ्ती आजम हिंद, बात गलत है। बात गलत क्यों है? क्योंकि फिक्र तो बाद में बना ना, उससे पहले कुरान हदीस का मानने वाला क्योंकि मुमिन नहीं हो सकता, इसलिए बात गलत है। मकसद क्यों सही है? आज का आदमी को ये बोले कि मैं तो सिर्फ कुरान और हदीस पे अमल करूंगा, फिर तो नहीं अमल करूंगा, नहीं मैं मानता, तो फिर मैं ये कहूंगा अलमाओ मिनल मा, क्या माना हुआ इसका? फिर मैं ये कहूंगा वही कुंतुम जुनुबन फत्तहरू का क्या माना हुआ? फिर मैं ये कहूंगा या अय्युहल लदीना आमनू इज़ा कुंतुम इला सलाह फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अय्दियकुम इला मराफ़िक़। हालत नमाज में, नमाज के लिए जब वजू करें तो कुल्ली फर्ज नहीं, लेकिन जुनूबी के लिए गुस्ल पर कुल्ली फर्ज। और ये इसी आयत से इस्तदलाल किया। तो दीन की समझ के लिए या तो इल्म होना चाहिए, और वो भी कितना इल्म होना चाहिए? इतना इल्म कि खुद कुरान को पढ़ सके और समझ सके, और कुरान को पढ़ के समझने के लिए 17 सब्जेक्ट में पीएचडी होनी चाहिए। 17 सब्जेक्ट में पीएचडी, 17 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट है ना, ना जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, रब्बिल क्यों, रब्बुल क्यों नहीं, रब्बल क्यों नहीं, इसे नफ कहते हैं, इसमें पीएचडी होनी चाहिए। कि लाम हर पे जार है, कलमे जलालत मौसूफ, रब इसकी सिफत है, मौसूफ सिफत, दोनों में मुताबकत जरूरी है, इस पर पीएचडी होनी चाहिए। और इस पर पीएचडी करने के लिए 9 साल आलिम का कोर्स रखा गया। और अल्लाह जिसे दीन की समझ देना चाहता है तो फिर उसे 6 महीने में अल्लामा ही नहीं हिदायतुन नाम का मुसन्निफ भी बना देता है। दुनिया हुजूर आई नहीं हिंद के नाम से नहीं आई, माशाल्लाह। मुझे अच्छे से याद है दीन की समझ की बात चलती है। जाकिर नायक का मानने वाला, क्योंकि आप में से मोस्ट भी लोग हैं जो गूगल, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब और मुख्तलिफ चैनलों से थ्री 56 और एक से एक और लाइब्रेरी चैनल वीडियोस देखते, इंजीनियर मिर्जा क्या तकरीर, क्या देखा मैंने, किसी को नहीं छोड़ता, सबको रद्द करता, सुन्नी को भी, देवबंदी को भी, सबकी गलती को करता, बहुत अच्छा आदमी। इंसान धीरे से उधर चला जाता है। अब मैं एक लॉजिकली दलील देता हुआ, पहले मैं ये बता दूं कि खुद खंडवा मध्य प्रदेश में जहां मैं रहता हूं जाकिर नायक का मानने वाला है। अजरी साहब कुरान में कोई शक? मैंने कहा है। बोले हदीस में कोई शक? मैंने कहा है। बोले इमाम आजम इमाम मालिक में इख्तलाफ? मैंने कहा हां है। इमाम शाफी इमाम अहमद बिन हंबल में इख्तलाफ? मैंने कहा हां है। बोले जिसमें कोई शक नहीं है उसको पकड़ लेते हैं, जिसमें इख्तलाफ उनको छोड़ देते हैं। अहले हदीस किसी को कहते हैं, चारों इमाम में से किसी को कहते हैं। किसी दलील की क्या जवाब देंगे आप? मैंने कहा यू आर राइट,
translate for Akia without looking any translated book. Because translation it is not Holy Quran, that is thought of Maulana. मैंने कहा आपने सही कहा, तो पढ़ा लिखा गवर्नमेंट जॉब, मैंने कहा आपने सही कहा, नहीं मानेंगे ना चारों इमाम से किसी को नहीं मानेंगे, लेकिन सूरह फातिहा का तर्जमा बगैर तर्जमा वाला कुरान देखे करके बताए, क्योंकि आपने तर्जमा देखा तो तर्जमा मौलाना की सोच का नाम है, कुरान का नाम थोड़ी नहीं है, क्या बात है, मौलाना की समझ का नाम है कुरान का नाम नहीं, अगर तर्जमा कुरान का नाम बनता तो अब्दुल वला मौदूदी का तर्जमा भी कुरान, अशरफ अली थानवी का तर्जमा भी कुरान, तर्जमा मौलाना की सोच का नाम जी, या तो बगैर ट्रांसलेटेड कुरान खुद से तर्जमा करके बताए, और इसके लिए 17 सब्जेक्ट में माहिर होना जरूरी है, उसमें से पहला नौ है जो आप मेरे पास पढ़ने के लिए और समझने के लिए आए हैं। फिर मैंने उससे कहा कि अगर आप 17 सब्जेक्ट के माहिर हो जाते हैं तो डोंट फॉलो एनी इमाम, मत माने ना इमाम आजम इमाम मालिक, किसी की पैरवी मत करें, क्योंकि जो 17 सब्जेक्ट में माहिर होगा वो खुद अपने वक्त का इमाम होगा। इमाम शाफई किसी की तकलीफ थोड़ी करते हैं, इमाम मालिक किसी की तकलीफ थोड़ी करते हैं, इमाम अहमद बिन हंबल किसी की तकलीफ थोड़ी करते हैं, क्योंकि वो 17 सब्जेक्ट में पीएचडी किए हुए हैं। दीन की समझ कॉमन सेंस ये है कि या तो तैरना आता है तो नदी में कूदे और तैर के पार करे, और तैरना नहीं आता है तो भाई साहब कश्ती पे बैठे ना, वरना फिर जान से हाथ धो बैठेंगे ना, समंदर गहरा है, तैर के पार करना है तो तैरना सीख, या तो फिर कश्ती जा रही उसमें बैठ जाए। हमने जिनको तैरना आता है वो कश्ती में नहीं बैठते, जैसे इमाम शाफी इमाम मालिक इमाम अहमद बिन हंबल बैठे, दीन की समझ कॉम्प्रिहेंड कर ही नहीं जाए। अब दीन की समझ पहले तो दीन क्या है इसको समझे, राकेटर इंजीनियर बेहतरीन स्पीच देकर लोगों को अपने गुण में बता, ये याद रखिएगा हर लाइन के उसूल होते हैं, जाते होते हैं, आई नो मैं आपको जानता हूं, तुम ये लिखेंगे कैसे, बात शुरू में एन नहीं आता, शुरू में के आता, लेकिन पढ़ते नहीं कलाम नहीं पढ़ते नो, अब आप कहेंगे ना जो लिखा वही पढ़ूंगा, उसने बनाया इसलिए उसकी पैर नहीं चलती, तो हर लाइन का एक मजाल होता है, और कुरान 3,77,450 कलिमा 36 करोड़ से ज्यादा, रुको फुनून हदीस 10 लाख से ज्यादा, बल्कि मुझे अच्छे से याद है इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु अन्हु 6 लाख हदीसें याद की हुई, अगर बुखारी में 6 लाख से ही मुसनद अहमद बिन हंबल 7,50,000 हदीसों का मुंतखब है, अबू दाऊद शरीफ 5 लाख हदीसों का मुंतखब है, मुस्लिम शरीफ 3 लाख हदीसों का मुंतखब है, कुरान और हदीस ये दीन की असल और जड़ है, कुरान और हदीस। अब सीधी बात ये हुई कि कुरान और हदीस को जो जानेगा वही दीन को समझेगा ना, जी जी जी, अब वो अपने वक्त का मोदी हो सकता है, पीएम बन सकता है, डीएम बन सकता है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बन सकता है, जेएनयू का प्रेसिडेंट और सब कुछ बन सकता है, मगर वुजू में कितने फराइज है ये जामिया रज़विया का प्राइमरी का स्टूडेंट ही बताएगा, जो जिसको हमारे शरीयत पढ़ना आता है, जिसको ताबीरी अदब पढ़ना आता है, एक तरफ डीएम एमडी है, एमडी से भी बड़ा डीएम होता है, एमबीबीएस होता है, एमडी होता है, डीएम होता है, एक तरफ डीएम है, दूसरी तरफ 3 साल का बच्चा है जो मदरसा में पढ़ता है, 3 साल का बच्चा बोल रहा है कि वुज़ू में 4 फराइज है, वुज़ू में 3 फराइज है, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है, हमारे शरीयत में लिखा हुआ, और डीएम बोल रहा है कि ना इस्लाम की बुनियाद 6 चीजों पर है,
वजू में 5 बार फराइज, गुस्ल में 4 फराइज। कॉमन सेंस, कॉमन सेंस, जिसको थोड़ा बहुत इल्म होगा वो ये कहेगा ये जो बच्चा बोल रहा है एनवायरनमेंट किससे बोल रहा है, अपनी लाइन की बात कर रहा है, ये पारासिटा बोल में क्या क्या आता है ये बता सकता है, लेकिन एनवायरनमेंट में क्या क्या है ये मदरसे का स्टूडेंट बताएगा। इसलिए कि वो यहां ये नहीं देखा जाएगा कि 3 साल मुकाबिल 55 साल के टीएम के बाद में, बल्कि ये देखा जाएगा वो जो 3 साल वाला बोला वो एनवायरनमेंट से, उसको लिखा मुफ्ती जलालुद्दीन ने, और हमारे शरीयत में हवाला है अशियातुल लमआत शेख अब्दुल मुहदीस देहलवी का, और वो कुरान और हदीस से, और कुरान और हदीस अल्लाह और मुस्तफा की कलाम को सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो समझना है दीन की समझ, दीन की समझ। अब जो कुरान और हदीस को जितना ज्यादा पढ़ना जानता है दीन की समझ, दीन का है उतनी ज्यादा उसके पास पता चलता है। सब लोग खड़े होकर इस्तेमाल करते डायमंड सोना देते नाली में फेंक देता, मगर वही 50 साल का होके संदूक में तो बंद करता है। इल्म की वजह से या गुण की वजह से ये समझना होगा। अगर आप कहेंगे उम्र की वजह से गलत, कि क्योंकि उसी एक साल के बच्चे को आप जंगल में छोड़ देंगे और 50 साल के बाद जंगल से लेकर गए अभी भी वो डायमंड और गोल्ड को लात से मार के फेंकते हैं, क्योंकि खुद जब मैं अंडमान में को बाहर गया था वहां जरवा लोग रहते हैं, सिक्का को नहीं समझते, सिक्का समझ लेते नोट को नहीं समझते, खाने पीने की चीज ले लेते पैसा दे दे नोट नहीं, ही कांट अंडरस्टैंड वैल्यू ऑफ नोट। एक साल का बच्चा डायमंड को लात मार के बैठा, 50 साल के बाद वही संदूक में रख रहा है, ये उम्र की वजह से नहीं, इल्म की वजह से। शेख सादी कहते हैं बुजुर्गी इल्म मस्त मक्की उम्र। अब बात समझ में आई कि 50-60 साल का मोमिन समटाइम अपने ईमान को लात मार के फेंक देता है, क्योंकि अगर वो नहीं उनके पास दीन की समझ नहीं। ऐसे ही वो एक साल के बच्चे की तरह है, जिस तरह एक साल का बच्चा इल्म न होने की वजह से गोल्ड और डायमंड को लात मार के नाली में फेंक देता है, फाइल को पकड़ता है, ऐसे ही 50 साल का आदमी और इल्म नहीं है, नतीजतन वो ईमान और इस्लाम को लात मार के फेंक देता है, कुफ्र को फिस्क को फुजूर को शौक से फुजूर कर लेता है, अल्लाह का तबाही का शिकार हो जाता है। इसलिए कुरान में आया वस्बिर नफ्सका मअ अल्लज़ीन यद'ऊना रब्बहुम बिल्ग़दाति वल'अशी युरीदून वज्हहु, अपने आप को उस शख्स के हवाले कर दे जो सुबह शाम अल्लाह को याद करते मजबूती के साथ, उस शख्स के हवाले कर। ये किस वजह से हुआ? नहीं की वजह से। दूसरी बात, अब इल्म का फरोग कैसे होगा? अगर मैं ये ऐलान करूं कि एक मस्जिद बनाना है कौन देगा पैसा? एक आदमी खड़ा हुआ, हजरत मेरी तरफ से पूरी मस्जिद की सीमेंट, दूसरा आदमी पूरा सरिया मेरी तरफ से, तीसरा आदमी पूरी ईंट मेरी तरफ से, चंद सालों में मस्जिद तैयार, बल्कि चंद महीनों में मस्जिद तैयार। और अगर मैं ये ऐलान करूं कि मस्जिद में इमाम साहब मुफ्ती रखना है 20,000 तनख्वाह, 12 आदमी खड़े हो जाए, 12 महीने में एक बार नंबर आएगा, फिर कोई नहीं खड़ा होगा मस्जिद के लिए, पूरी ईंट सरिया सीमेंट चंद लोगों ने मिलकर दे दिया, और यहां पर मतलब इमाम साहब मुफ्ती रखना है उसके लिए बाजाब्ता ऐलान किया जा रहा है, 12 लोगों का इंतखाब किया जा रहा है, कोई नहीं। ये क्यों हुआ भाई साहब? ये इसलिए हुआ कि वो समझ नहीं पा रहा कि इस्लाम क्या, वो समझता है कि मस्जिद बनाना ज्यादा सवाब का काम है बनिस्बत अच्छा इमाम रखने से। अब सुने दीन की समझ, एक मस्जिद 1 मिलियन नहीं 10 बिलियन की हो, एक मिलियन 10 लाख को कहते, 1 बिलियन 100 करोड़, एक मस्जिद 1 बिलियन नहीं 3 बिलियन की मस्जिद, और इमाम नाजरा का सादिकों से जहालत का सामना नहीं हो सकता, बंगाल से जहालत और फिस्क व फुजूर का सामना नहीं हो सकता, मस्जिद बिलियन की बनी हुई है इमाम नाजरा का। और अगर मस्जिद खजूर की छत तना और शाख की बनी हुई है और इमाम इमामुल अंबिया हो,
दोनों बनी है वो बंद पैदा हो दोनों तलहा जुबैर और हमजा ना है दीन की समझ मस्जिद मस्जिद वहाबी और सुन्नी में क्या फर्क है मस्जिद की दीवार बोलेगी ये इमाम बोलेगा इसलिए मस्जिद के बाजू में बेहतरीन फैमिली क्वार्टर और सब की तनख्वाह नाजरा का कम हाफिज 10,000 आलिम 20,000 मुफ्ती 40,000 मुजद्दिद मिल जाए 1,00,000 तनख्वाह हर कुर्ता पजामा टोपी वाला एक जैसा नहीं होता कुल हल यस्तवी लदीना यअलमून वलदीना ला यअलमून फौका कुल्लदी इल्मिन अली तमाम पीरान हक उसमें से एक लकीदा सर के ताज किसी एक की तौहीन भी दीन के समझदार होने से खारिज कर देता है बस ये मालूम रखना है कि चार शराइत होने चाहिए उसके सुन्नी होना आलिम होना फासिक मौली ना होना खिलाफत मुत्तसिम बिल मुस्तफा क्योंकि सुन्नी पीर साहब रहेंगे तो वो जन्नत में जाएंगे तब ना हम जन्नत में जाएंगे अगर ट्रेन का इंजन थाना भवन की तरफ जाता है तो डब्बे और पैसेंजर दिल्ली थोड़ी पहुंचेंगे क्या हो इसलिए सुन्नी होना आलिम होना आलिम इसलिए होना ये आस्तीन है कबूतर ने बीट कर दिया पाक है कि ना पाक है धोखे नमाज पढ़ो कि बोले बोले नमाज पढ़ो एक दिन का बच्चा पेशाब कर दिया आज का बच्चा गुनाह थोड़ी किया बच्चे ने बच्चे बेगुनाह बच्चा पेशाब कर दिया पाक है कि ना पाक है धोखे नमाज पढ़ो कि बदल 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 के या बदल बदले ये नूर लीजा मिलेगा ये शरीर बताया मिलेगा ये हिदायत में जब कपड़ा नहीं पाक कर सकता वो क्योंकि आलिम नहीं दिल को कैसे पाक करेगा तस्किया नफ्स कैसे इसलिए आलिम होना फासिक के मौली ना होना दस अंगूठियां बड़े बड़े बाल खिलाफे सुनना तनाई में औरतों से घंटे बातें करना एक औरत के खलबत में बातें करना या दस वो फल वो दिन नहीं हो सकता और अगर आपको दीन का दर्द होगा तब आप इस बात को समझेंगे कि एक शख्स सिर्फ इस बात के लिए कि तू शराब पीता है मैं तेरी बैत कबूल नहीं करूंगा उस आदमी को मक्का इमाम हुसैन कहा जाता है मक्का इमाम हुसैन कहा जाता है कभी कभी मुझे अफसोस होता है कि गुलाम अभी कौम को गुलाम जलानी असली की जरूरत नहीं कौम को जानने किसकी जरूरत है मैं एक जलसे को जानता हूँ जो 5-6-7 मई को हुआ था उस जलसे में सैयदुल उलमा भी है हसन उलमा भी है हुजूर मुजाहिद मिल्लत भी है अब्दुल मुस्तफा आजमी भी है सिराजुल हुदा गयामी भी है अल्लामा मुश्ताक अहमद निजामी भी है हुजूर हाफिज मिल्लत भी है और पलान की रीढ़ की हड्डी अल्लामा अशरफुल कादरी भी है उस जलसे के बाद में कौम को जो रिजल्ट और फायदा मिला दुनिया उस फायदे को अंजामे तो अशरफिया के नाम से याद है 25 मार्च 1925 एक बच्चा पैदा होता है हमारे इंडिया में अकेला वो बच्चा लंदन में बहुत इस्लामिक मिशन बनाता है मॉरिशस में जामिया अलीमिया बनाता है कनाडा में दारुल उलूम शफिया बनाता है दिल्ली में जामिया हजरत निजामुद्दीन औलिया बनाता है अकेला वो बच्चा बेंगलोर में जामिया हजरत बिलाल बनाता कलकत्ता में दारुल उलूम ज़ियाउल इस्लाम तिगिया पारा हावड़ा बनाता पटना में इमारत शाहिया जो देवबंदियों का है उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ते हुए कलबे पटना में इदारा शरिया बनाता है टाटा में मदरसा फैजुल उलूम बनाता है दुनिया उस आदमी को अल्लामा अशरफुल कादरी के नाम से याद कौन को अल्लामा अशरफुल कादरी की जरूरत है गुलाम जिलानी अजहरी की जरूरत नहीं इसलिए आपको समझे काम के आदमी बने पढ़ाई पे तवज्जो दे बड़ों के साथ करे आज जो कादरी मियां मकबूल है उसकी वजह यह है कि ये काम कर रहे हैं और एक नहीं कई लोगों ने बताया कि हुजूर कादरी मियां का मजलो अलैना काम कर रहे हैं और बहुत स्पीड से काम कर रहे हैं क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इनकी रगों में जहां नबी का खून है सीने में नबी का इल्म भी होता है नारे तकदीर नारे निहाद रहमाने औलिया इकराम रहमाने औलिया इकराम उरुता जो औलिया काम के आदमी बने तमाम सुन्नी पीरों की कदर करें मनमानी याद रखिएगा जो सिर्फ पीर
किताब को नहीं मानता वो शिया बन जाता है, खवारिज बन जाता है। जो सिर्फ किताब को मानता पीर को नहीं मानता वो चक्रांती बन जाता है। हम पीर साहब को भी मानते हैं और किताब साहब को भी मानते हैं। पीर और किताब दोनों मुताबिक है, दोनों को मानते हैं तो आप कामयाब है। और किताब में क्या लिखा है ये नाई के नबी उलमा बताते हैं। मुझे यकीन है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। रब तबी हम सबको कुरान शरीफ अनी शरीफ शरीफ पढ़ने समझने अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला बलाग। अस्सलाम वालेकुम।